हम बात करने वाले एक्सियो बाइनो पे लेटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। आप जाके यहाँ से 1000 से लेके 1,00,000 रुपए तक के बीच की लिमिट इस एप्लीकेशन से आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो एक्सियो बाइनो पे लेटर की तरफ से जो मुझे यहाँ पे लिमिट मिली है पूरे 5000 रुपए की यहाँ पे लिमिट मिली है। और इस लिमिट को मैं ऑनलाइन कोई भी शॉपिंग कर सकता हूँ और आसान EMI में कन्वर्ट करके यहाँ पे कर सकता हूँ। और इस एप्लीकेशन से अगर आपको लिमिट मिलती है सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड के बेसिस के ऊपर, आपको बेसिक सी डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। जैसे आप यहाँ पे बेसिस की डिटेल यहाँ पे फिल करेंगे तो आपको वहाँ पे 1000 से लेके 1,00,000 रुपए तक के बीच की लिमिट आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। और इस लिमिट को आप यहाँ पे मोबाइल ले सकते हैं, कोई भी सामान यहाँ से परचेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारे इसके यहाँ पे लैंडर पार्टनर भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान मंगवा सकते हैं, ट्रेवल भी कर सकते हैं। अगर आप इसकी लिमिट को वहाँ पे कहीं ट्रेवल करना चाहते हो तो आप इसकी लिमिट को ट्रेवल पे भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, होम पे भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पे कपड़े चाहिए तो आप यहाँ से फैशन पे भी यहाँ पे जाके आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो अदर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी यहाँ पे किसी चीज की भी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, वॉच खरीद सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं। तो उसके बाद आज मैं आपको जो ये वॉच है आपको यहाँ पे आपके सामने इसको यहाँ पे लेकर दिखाऊंगा। तो जैसे मैं वॉच वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी सारी यहाँ पे वॉच भी आपके यहाँ पे दिख रही होगी। तो मैं ये जो डिजिटल वॉच है इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं डिजिटल वॉच पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं EMI में आप इसके लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। और EMI में लिमिट को यहाँ पे यूज कर सकते हैं और 3 से लेकर 9 मंथ तक की आप EMI यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद शॉप नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने शॉप नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो मेरे सामने यहाँ पे थोड़ा सा वेट करके आपको यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। जो ये मेरी डिजिटल घड़ी थी तो इसका जो प्राइस आ रहा है 2999 रुपए यहाँ पे आ रहा है। तो उसके बाद आपको बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैंने बाय नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो 1 से 2 मिनट अब फिर से वेट करना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि आप यहाँ से जो सामान है कैसे परचेज कर सकते हैं और आसान EMI में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको फिर से बाय नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप बाय नाउ वाले ऑप्शन पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो इस घड़ी का प्राइस आ रहा है 5500 यहाँ पे 8 रुपया आ रहा है, जिसको डिस्काउंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है हमारे को 2966 रुपए का। उसके बाद प्रोडक्ट GST आपको मिलेगी यहाँ पे 458 रुपए। उसके बाद टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 2999 रुपए। उसके बाद अगर आप एक्सियो से यहाँ पे इसको इसके ये जो घड़ी यहाँ पे परचेज करते हैं तो आपको फ्लैट 10% का कैशबैक देखने को मिलेगा, 500 रुपए लेस आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपके पास एक OTP आएगा, OTP को यहाँ पे फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे फुल नेम मेंशन करना है। फुल नेम जैसे आप मेंशन करेंगे उसके बाद एंटर ईमेल एड्रेस डालना है। उसके बाद एड्रेस डालना है आपको कि जिस एड्रेस पे आपको अपनी जो इस वॉच को यहाँ पे मंगवाना है। उसके बाद एंटर पिन कोड को सबमिट करना है। उसके बाद प्लीज सिलेक्ट टाउन सिटी को आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद इंडिया से आप तो आपको इंडिया पे ही सिलेक्ट करने देना है। उसके बाद प्लीज सिलेक्ट द प्रोवाइड, तो आपको ये जो जितने भी बेसिक डिटेल है आपको इसको फिल करना है। जैसे आप इसको फिल करेंगे आपको डिलीवरी को एड्रेस वाले ऑप्शन पर टैप करना है। तो जैसे आप इसको टैप करेंगे तो वहाँ पे 8 से 10 ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ जाएंगे। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, काफी सारे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो वहीं पे ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सियो का, जो एक्सियो बाय नाउ पे लेटर। तो आपको क्या करना है, एक्सियो बाय नाउ पे लेटर वाले ऑप्शन पे टैप करना है। तो जैसे आप एक्सियो बाय नाउ वाले पे लेटर पे टैप करेंगे तो वहाँ पे तुरंत ही आपको दिखा देगा कि आपको 3 मंथ की EMI चाहिए या 9 मंथ की आपको EMI चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी EMI को सिलेक्ट करके एक्सियो से आपको वहाँ पे पेमेंट कर देंगे। जैसे आप एक्सियो से वहाँ पे पेमेंट करेंगे तो आपकी पेमेंट वहाँ से हो जाएगी और उसके बाद आपकी जो लिमिट है वहाँ पे EMI में कन्वर्ट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों।